हम सभी सुन रहे हैं दादी जानकी जी के महान विचार, पढ़ाई से प्रेम। जब हम आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ते हैं तो हमें स्वतः ही ईश्वर से बेशुमार प्रेम मिलता है, जिससे हम स्वयं को अन्य हदों के सहारे से मुक्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों के समान हमें यह प्यार प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ पढ़ाई से प्रेम चाहिए। परंतु बाद में जो जो हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, बड़े और बलवान बनते जाते हैं, तो ईश्वर भी चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। अतः वे पीछे खड़े रहते हैं और देखते हैं कि क्या बच्चा उनकी शिक्षाओं पर सही रूप से चल रहा है, क्या बच्चा रूहानी नियमों का पालन कर रहा है। वे यह जानने के लिए निरीक्षण करते हैं कि क्या हम सही रीति से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बदल रहे हैं या कहीं हम सुस्त बनकर पढ़ाई में लापरवाही तो नहीं करते। यदि मैं सही रीति से पढ़ाई नहीं पढ़ रही हूं तो मैं ईश्वर के प्रेम पर अपना अधिकार गंवा देती हूं। कितनी गहरी बातें हैं। ईश्वर का प्रेम तो होगा परंतु मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकूंगी। यदि मैं सही रीति से रूहानी पढ़ाई को नहीं पढ़ती, यदि मेरे दैनिक व्यवहारिक जीवन में रूहानी ज्ञान की धारणा नहीं हो पाई है, तो मैं कितने आगे बढ़ सकूंगी? चेक करें। यदि मेरा जीवन अच्छा नहीं बन रहा है तो मैं दूसरों के साथ कौन सी अच्छाई का लेन देन करूंगी? ईश्वर उन बच्चों से प्रेम करते हैं जो उनके विशेष कर्तव्य में अपनी मदद करने को तैयार होते हैं। यदि मैं पढ़ाई ही नहीं पढ़ती तो ईश्वर मुझे वह प्रेम कैसे प्रदान करेंगे? इतनी गहरी और ऊंची सोच थी दादी जानकी जी की, और उसी सोच के बदौलत दादी जानकी संपूर्ण रूप से भगवान के समान यानी बाप समान बने और आज भी अव्यक्त रूप से हम सभी की पालना कर रही हैं, पूरे संगठन के संचालन में सहयोग कर रही हैं, पूरे विश्व को मन वांछित फल दे रही हैं। ओम शांति।